Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do MRI of forearm on GE 1.5 Tesla. System is Brivo MR355. We are on the entry desk. First of all, you have to enter the patient data, weight, age, description you have to write, forearm. Now from here I will select protocol. I have kept one protocol name as arm. Okay, select the protocol, accept, start exam. Patient position is prone. This scan I will be doing in body area coil in prone position. Okay, I have selected body area 1-2. First of all, we will take 3-plane localizer, save RX, scan. लोकलाइजर के बाद ही बाकी का हम प्लान करते हैं ऑलवेज. ऑलवेज री लोकलाइज करना पड़ता है इसमें, क्योंकि एक बार में तो सपोज ऑफ सेंटर है तो नहीं आएगा, तो ये मैंने दूसरा लोकलाइजर रखा ही है. सेकंड लोकलाइजर पर डबल क्लिक किया. अभी ये वाला दिख रहा है इमेज, तो इसके ऊपर रख के कोरोनल वाला सेक्शंस आया ही नहीं है, क्योंकि आम में ऐसा ही होता है. कोई भी एक मिल गया उसके ऊपर रख के फिर आप रीलोकलाइज कर सकते हो. सेव आर एक्स स्कैन. ये हम सेकंड लोकलाइजर ले रहे हैं. अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा तीनों लोकलाइजर आ गया, ये सैज, ये कोरोनल एंड एक्जियल. ओके, अभी इसको कंप्लेन है ना, यहाँ पे ही है, पोस्ट डिस्चार्ज है, 14 इयर्स का बॉय है, उसको पास हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एंड डिस्चार्ज. तो इसमें आपको क्या करना है कि जहां पे भी उसको कंप्लेन हो वहां पे एक विटामिन ई का कैप्सूल लगा देना, तो आपका स्कैन करना ईजी हो जाएगा. ओके, अभी मैं इसको वापिस थोड़ा स्ट्रेट एंगुलेशन करके वापिस रीलोकलाइज कर रहा हूँ, तो उसका थोड़ा ऑब्लिक है रेडियस. अल्लाह, सबसे पहले कोरोनल स्टर हम प्लान करेंगे. ओके, ये लोकलाइजर आने के बाद, जब तक सही से लोकलाइजर नहीं मिलता है तो आपको रीलोकलाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि लोकलाइजर के ऊपर ही पूरा स्कैन डिपेंड रहता है. ठीक है, अभी इसको कैलिब्रेशन कर देते हैं. कोई सा भी कैलिब्रेशन लेके इसको कैलिब्रेट करते हैं हम बॉडी एरिया 1-2 में. पूरा रीजन कवर करना है आपको कैलिब्रेशन में. सिवारिक स्कैन. अभी हमें कोरोनल सबसे पहले प्लान कर देना है. कोरोनल आने के बाद बाकी का सीक्वेंस मैं आपको प्लान करता है सिखाऊंगा. ओके, सो कोरोनल का डबल क्लिक किया, ओपन किया, एक्जियल पे क्लिक कर देना. बॉक्स कोरोनल हमें चाहिए, तो ऑब्वियस है कि आपको प्लान करना है सैज एंड एक्जियल के ऊपर. ओके, ये तो बहुत ही बेसिक फंडा है. मैं आपको हर एक वीडियो में ये सेम थिंग ऑलवेज बताते रहता हूँ. ठीक है ना, इसको हम थिन सेक्शंस करते हैं 3 mm, 0.5, क्योंकि एरिया भी बहुत छोटा है. 3 मिनट का सीक्वेंस हो गया. शिम ऑन किया. कोरोनल आएगा उसके बाद हम बाकी का सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ. ओके, सेव आर एक्स स्कैन. प्रोटोकॉल है इसका कोरोनल स्टर, कोरोनल T1, एक्सल स्टर,
सैज स्टर, सैज ग्रेडियंट, सैज T2 पे मैं लूंगा इसके अंदर। तो अभी कोरोनल तो एक हो गया प्लान, तो अभी जाहिर सी बात है सिंपल, यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट, डबल क्लिक ऑन कोरोनल T1, क्लिक ऑन दिस RX, सिलेक्ट कोरोनल शिम, एक्सेप्ट, सेम टू सेम प्लान विल गेट कॉपीड, ओके, चेक द बॉडी एरे, कॉयल 1-2, सेव RX एंड ऑटो स्कैन पे ऑलवेज रख देना है। अब ये जब कोरोनल स्टार आ जाएगा फिर उसके ऊपर बाकी के ये सब सीक्वेंस प्लान करेंगे, तब T1 अपने आप चलता रहेगा, ओके। ऑटो का फायदा हमें ये होगा, एक्सेल स्टार को मैं ओपन करके छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ओपन रखता हूँ, जैसा ही इमेज आएगा कोरोनल को कोरोनल की विंडो में डाल के मैं उसको रन कर दूंगा, तो हमारा काम फास्ट हो जाएगा, ओके। अभी जब तक ये डिस्प्ले होता है इमेज तब तक होल्ड ऑन, अभी कोरोनल स्टार आ गया है, कोरोनल स्टार को कोरोनल के विंडो में डालते हैं और एक्सेल प्लान कर देंगे, ओके। इसको विटामिन ई का कैप्सूल यहाँ पे ही है, तो ये रीजन ही आपको कवर करना है, सिंपल। 23 इमेजेस है, 5 थिकनेस, स्पेसिंग थोड़ा कम कर देना, शिम डाल देता है, ये आपका एक्सेल प्लान हो गया, ओके। अभी सेम सजाडल को ओपन किया, डबल क्लिक, सिंपली आपको डबल क्लिक करना है, साइज को ओपन किया, कोरोनल और एक्सेल पे प्लान कर देना, स्ट्रेट कर दिया, ओके। ये आपका पूरा राइट टू लेफ्ट ध्यान से आपको प्लान करना है, स्पेसिंग 0 कर देता हूँ, साइज T2, सेम आपको साइज ग्रेडियंट डबल क्लिक ओपन किया, साइज T2 का आपको कॉपी कर देना है, साइज स्टार को भी ले लेना आप, सिंपल है, कोरोनल कोरोनल पे कॉपी हो गया, साइज साइज के ऊपर सब कॉपी हो गया, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट ऑप्शनल रखा है, जरूरत है तो ही करना है, नहीं तो छोड़ देना है आपको। सो ये था हमारा प्रोटोकॉल फोरआर्म का, कोरोनल स्टार, कोरोनल T1, एक्सेल स्टार, साइज T2, साइज ग्रेडियंट, साइज स्टार, साइज ग्रेडियंट, साइज T2। सो ये सब इमेजेस, T2, एक्सेल स्टार, अभी इसमें आप देख सकते हो कि रिस्ट जॉइंट से लेके मैंने एल्बो पूरा कवर किया था फोरआर्म। अभी मुझे शॉर्ट FOV लेना है, तो आप इसको नी कॉइल में, नी का जो प्रोटोकॉल है वो आप रन कर सकते हो, ओके। उसमें आपको थोड़ा बड़ा इमेजेस मिल जाएगा, जूम शॉर्ट FOV वाला, उसके अंदर डायग्नोसिस में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो एक काम कर सकते हो, सबसे पहले बॉडी कॉइल में आप एक स्क्रीनिंग कर दो स्टर इमेज, उसमें जहां पे सिग्नल आता है आपको लगता है कि पूरा लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप शॉर्ट FOV में नी कॉल में वही सेम रन कर सकते हैं, ओके। सो अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैंने देखो शॉर्ट FOV में लिया है, ये फैट सेट PD इमेज, ओके, कि यहाँ पे उसको मेनली मैंने कैप्सूल यहाँ पे लगाया, यहाँ से उसको पल्स डिस्चार्ज है, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट FOV करके ले लिया है। तो ये भी एक टेक्निक है, आप दूसरी तरह से करना हो तो, ओके। फर्स्ट बॉडी एरे में ले लेना, फिर सेकंड शॉर्ट FOV चाहिए तो नी कॉइल में भी आप ये सेम स्कैन रन कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
press bell icon for more updates. And I have started MRI training on GE 1.5 Tesla. Informations are given in description box. Thanks for watching.